इंदौर शहर में एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट हुआ है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक शहर में 110 नए कोरोना मरीज मिले, जिसके बाद प्रशासन की चिंता और भी अधिक बढ़ गई है। इंदौर में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, चौबीस घंटे में मिले 110 नए मरीज, इंदौर में तीसरी लहर का अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन की बड़ी चिंता। इंदौर में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तीसरी लहर की दस्तक के साथ एक हफ्ते में ही तस्वीर बदल गई। नए संक्रमितों की संख्या 7 दिन में बढ़कर दुगने से ज्यादा हो गई। रिकवर होने वालों की संख्या आधी रह गई। 24 घंटे में 110 संक्रमित मिले, वहीं 21 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। करीब 206 दिन बाद पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 3 अंकों में आया। इससे पहले 10 जून 2021 को 117 मरीज मिले थे। शहर में 5 दिन में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5 गुना हो गई। रविवार तक ये संख्या 438 तक पहुंच गई। संक्रमण दर 1.58% हो गई। इंदौर शहर में 1 जनवरी को 80 मरीज मिले थे, वहीं 2 जनवरी को इसका आंकड़ा 100 के पार जाने पर प्रशासन की नींद उड़ गई। आज हमारे पास लगभग 110 केस पर नए पॉजिटिव आए हैं। मतलब पहली बार ये 3 डिजिट में हमारे यहाँ शुरू हो गए और एक बड़ी विडंबना है। बार बार सारी जिला प्रशासन, नगर निगम, सभी लोग, बार स्वास्थ्य विभाग सभी आह्वान कर रहे हैं कि कम से कम अभी ये कोविड का जो दौर चल रहा है इसमें कोविड कम हुआ था हमारे यहाँ पे, मगर ख़त्म नहीं हुआ था, तो काफ़ी लापरवाही हो गई थी। इस वजह से देख रहे हैं हम लोग कि कोविड के अभी भी 110 केसेस फिर आ रहे हैं। तो पब्लिक से यही एक बार आम जन से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग कोविड के जो प्रोटोकॉल है उसको पालन करिए, मास्क लगाए, सैनिटाइज का यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जिन्होंने भी फर्स्ट डोज लगा लिया वैक्सीनेशन का वो सेकंड डोज अपना लगा ले। कारण ये कि जो भी कितने भी आज हमारे पास कोविड के पॉजिटिव केसेस निकल रहे उनमें कहीं भी ऐसे गंभीर लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहे। इससे मतलब ये है कि हमारी जो वैक्सीन लगी है वो काफ़ी कारगर है, और उससे हमारा यही है कि कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम सेकंड डोज लगवा लें और कोविड का प्रोटोकॉल करें ताकि कहीं। इंदौर शहर में लगातार बढ़ रही कोरोना के मरीजों की संख्या एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। अगर समय रहते आमजन ने कोरोना को लेकर जागरूकता नहीं दिखाई तो भविष्य में इसके परिणाम भयावह साबित हो सकते हैं।